क्योंकि मैं आजाद हूं। हाँ, पर मैं सोच नहीं सकता, सोचू तो बोल नहीं सकता, लब अपने खोल नहीं सकता, नशाए खिताबत में डोल नहीं सकता, क्योंकि मैं आजाद हूं। मुझे तवज्जो चाहिए। हेलो, बोल दूं तो उठा लिया जाऊं, किसी जिंदा में डाल दिया जाऊं, आजाद मुल्क से निकाल दिया जाऊं, या परदेश में किताल दिया जाऊं, क्योंकि मैं आजाद हूं। मैं अपने देश आजादी से जा नहीं सकता, चला जाऊं तो आजादी के नगमे गा नहीं सकता, तकलीफ पहुंचे तो बिल बिला नहीं सकता, बुरा लगे तो तिल मिला नहीं सकता, अपना हके इंतखाब निभा नहीं सकता, उनको अपना शिकवा सुना नहीं सकता, क्योंकि हाँ मैं आजाद। हम सब आजाद, अरशे शरीफ जो जिंदगी से आजाद, इमरान रियाज जो बंदगी से आजाद, अदलिया जो आइन की पाबंदी से आजाद, पासवान जो अपने अहद की सरबुलंदी से आजाद, हम सब आजाद, तुम सब आजाद, क्योंकि मैं आजाद। एक शिकवा है आज के हालात की, पर जुमानी है। इस पे कई लोग एतराज उठा सकते हैं कि ये एक मौका नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यही मौका है। लेकिन इसका एक उम्मीद का मैसेज भी है कि हालात बुरे जरूर हैं, लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है। उम्मीद है ऐसी बस्ती की, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो, वहाँ फूल खुशी के खिलते हों और मौसम सारे मिलते हों, बस जिंदगी और नूर बरसते हों, सारे हंसते बसते हों। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार ना हो, दहशत का बाजार ना हो, जीना दुश्वार ना हो, मरना भी आजार ना हो, वह खून की होती आम ना हो, उस आंगन में गम की शाम न हो, या मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सबका साफ साफ मिले, एक आस है ऐसी बस्ती हो, जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो, उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। थैंक यू वेरी मच।